शुक्रवार के 9:30 बजे यानी अगले दिन तक आतंकियों के कब्जे से ताज होटल, ओबरॉय होटल और नरीमन भवन को छुड़ा लिया गया, जिसमें 164 लोगों की जान चली गई और 370 लोग घायल हो गए थे। आतंकवादियों द्वारा किए गए इस हमले में 8 विदेशी मारे गए और 22 घायल हुए। ऑपरेशन में 15 पुलिस अफसर, कर्मचारी और 2 NSG कमांडो भी शहीद हुए थे, जबकि 10 हमलावरों में से 9 को मौत के घाट उतार दिया गया और एक आतंकवादी अजमल आमिर कसाब जिंदा पकड़ा गया था, जिसे सजा के तौर पर फांसी से लटका दिया गया। शहीद पुलिस अफसर हेमंत करकरे ने इस हमले के आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ा था। अशोक चक्र से सम्मानित हेमंत करकरे को देश कभी नहीं भूलेगा। इन्होंने अपनी वीरता और सूझबूझ से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। असली हीरो सीजर, ये वो नाम है जिसका ऋण देश कभी नहीं चुका सकता। 26 नवंबर 2008 में हुए हमले में इसने कई लोगों की जान बचाई थी। ये नरीमन हाउस की टीम के साथ लगातार 3 दिन तक आतंकियों का मुकाबला करता रहा। इस हमले के दौरान से आतंकवादियों का पता लगाने वाले डॉग स्क्वाड का यह आखिरी कुत्ता था। हाल में ही इसने दुनिया को अलविदा कहा। खौफ और खून के वे 60 घंटे लोगों के जहन में आज भी ताजा है। शायद ही ऐसा कोई समय आएगा जब उनके जहन से ये दर्द जा पाएगा। आज के हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। नमस्कार।